नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में। मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। हर संडे शाम 4 बजे हम आपके लिए लेकर आते हैं एक नई जानकारी, जिससे आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। कहीं आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी बिल्डर्स के बारे में जानना चाहते हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट कहाँ चल रहे हैं, इन सब के बारे में हम आपको बताते हैं, जिससे आपको इन्वेस्ट करने में किसी तरह की कोई दिक्कत पेश ना आए। आज भी हम हाजिर हैं एक नई जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे दिल्ली में बढ़े सर्किल रेट की, जिसका असर नोएडा NCR में कितना पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे। दरअसल ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में सर्किल रेट्स बढ़ने के बाद ये बातें सामने आ रही हैं कि नोएडा NCR में इन्वेस्ट करना और महंगा हो जाएगा, इस पर बात होगी। साथ ही बात करेंगे सोशल नेटवर्किंग साइट्स की, जिन पर अगर आपके प्रॉपर्टी को लेकर आपने गुस्सा जाहिर किया है, किसी बिल्डर पर आपने अपना गुस्सा उतारा है, तो उसका क्या और कितना असर हो रहा है, ये भी बताएंगे आपको। इन सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है किंग साइट्स की, जिन पर अगर आपके प्रॉपर्टी को लेकर आपने गुस्सा जाहिर किया है, किसी बिल्डर पर आपने अपना गुस्सा उतारा है, तो उसका क्या और कितना असर हो रहा है, ये भी बताएंगे आपको। इन सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे सहयोगी सौरभ सहनी। सौरभ, स्वागत है आपका, और साथ ही साथ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हमारे आकाश जिंदल जी। आकाश जी, आपका ही बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिए, आगे चर्चा जारी रखेंगे। अगर आप जल्दी NCR में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं, तो देर ना कीजिए, कहीं ऐसा ना हो जिस प्लॉट, जमीन या फिर फ्लैट पर आपकी नजरें गड़ी हैं, उसके दाम अचानक से इतने बढ़ जाएं कि उसे खरीदना आपके बस की बात न रह जाए और आप सिर्फ हाथ मलते रह जाएं। NCR के इन्वेस्टर्स, हो जाओ होशियार। इन्वेस्टमेंट की बना रहे हैं योजना, तो कहीं देर ना हो जाए। जमीन या प्लॉट खरीदने का सपना कहीं चकनाचूर हो ना जाए। जी हाँ, कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की आपकी चाहत पर बढ़े हुए दामों की तलवार ना चल जाए। इसके पीछे की वजह है राजधानी दिल्ली में प्रॉपर्टी के दामों का बढ़ना। दिल्ली सरकार ने प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस में ब्लैक मनी पर नियंत्रण लाने के लिए सर्किल रेट्स 200% तक बढ़ा दिए हैं। दरअसल सर्किल रेट जमीन की न्यूनतम कीमत होती है, इसी के आधार पर स्टैंप ड्यूटी चुकानी होती है। दिल्ली में सर्किल रेट्स की शुरुआत जुलाई 2007 में हुई थी। इनमें पिछले साल फरवरी और नवंबर में बदलाव भी किया गया था, उस वक्त इनमें 250% तक की बढ़ोतरी हुई थी। सरकार की दलील थी कि दिल्ली में मौजूद सर्कल रेट्स NCR में गुड़गांव, नोएडा और फरीदाबाद जैसे शहरों के मुकाबले में कम हैं। ए कैटेगरी की कॉलोनियों में मौजूदा सर्कल रेट 2,15,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर था, जो अब बढ़कर 6,45,000 रुपए हो जाएगा। बी कैटेगरी की कॉलोनियों में मौजूदा रेट 1,36,400 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, इसे बढ़ाकर 2,04,600 रुपए किया गया है। लेकिन प्रॉपर्टी एक्सपर्ट तो ये तक मानते हैं कि सर्कल रेट बढ़ाए जाने के बाद भी हकीकत में इन इलाकों की कीमत इससे भी ज्यादा है। यानी प्रॉपर्टी ओनर की तो बल्ले बल्ले और खरीदार की जेब की बढ़ती मुश्किलें। जब दिल्ली में सर्कल रेट्स का ये आलम है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में इसका असर दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में प्रॉपर्टी के दामों पर भी पड़ेगा। लेकिन कितना, इसका अंदाजा तो प्रॉपर्टी मार्केट के जानकार फिलहाल नहीं लगा पा रहे। डेवलपमेंट की बयार के बीच नोएडा और गाजियाबाद की प्रॉपर्टी के दामों में हर साल बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जो खरीदार जेब और जरूरत के मुताबिक दिल्ली में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर पाते, उनके कदम सबसे पहले नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे में हम तो यही कहेंगे, दिस इज राइट टाइम टू इन्वेस्ट। अगर आप NCR में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो देर ना करें, क्योंकि दिल्ली के सर्कल रेट बढ़ चुके हैं और इसका असर नोएडा NCR की प्रॉपर्टी पर भी देखने को मिल सकता है। पहले से ही नोएडा जैसी जगह पर
घर खरीदना नामुमकिन सा लगता था और अब यहाँ के रेट्स में और भी इजाफा होने की उम्मीद लगाई जा रही। कैमरामैन अभिजीत के साथ सौरभ सानी, समाचार प्लस। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारा खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आकाश जी के पास चलेंगे। आकाश जी, यहाँ पर अगर दिल्ली का सर्कल रेट बढ़ा है तो उसके बाद क्या कुछ असर पड़ता दिखाई दे रहा है नोएडा और गाजियाबाद पर? देखिए, दिल्ली का सर्कल रेट बढ़ा है और मेरे हिसाब से सर्कल रेट बढ़ना भी चाहिए था। हाँ, बिकॉज आई थिंक ब्लैक मनी इज अ डिजीज एंड ब्लैक मनी शुड बी एलिमिनेटेड आउट ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे एक इश्यू साथ में है आई थिंक विच इज इम्पोर्टेंट एंड यू शुड ऑल्सो रेज दैट इशू। वो इश्यू ये है कि सर्कल रेट जरूर बढ़ाया जाए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जाए, व्हाइट मनी का जो है यूटिलाइजेशन प्रॉपर्टी में ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन साथ के साथ सर्कल रेट बढ़ाने के साथ ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी कम की जाए। ट्रांजेक्शन कॉस्ट यानी ट्रांसफर चार्जेस अगर हम बाकी कंट्री से देखते हैं तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। दिल्ली में तो कई जगह ऐसी हो जाएंगी जहाँ एक फ्लैट खरीदने के लिए जो आपको ट्रांजेक्शन चार्जेस देने पड़ेंगे 4 लाख से 6 लाख होंगे, तो वो दैट वुड मेक फ्लैट्स एंड प्लॉट्स कॉस्टलियर। अब वो जो हाउसिंग फॉर एवरीवन का नारा है हमारा, उसके थोड़ा अगेंस्ट जाता है। जहां तक आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन कि नोएडा और गाजियाबाद के ऊपर, मेरे हिसाब से धीरे धीरे जो है वहां भी सर्कल रेट्स बढ़ेंगे, सर्कल रेट का इम्पैक्ट आएगा। बट साथ ही साथ जो दूसरा इम्पोर्टेंट इशू मैं रेज कर रहा हूँ सारी स्टेट गवर्नमेंट से, तमाम फोरम में रेज करता हूँ कि आप सर्कल रेट बढ़ाइए। सर्कल रेट बढ़ा के आप ट्रांसपेरेंसी बढ़ाइए, बट ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि सरकार अपने लिए ज्यादा पैसा इकट्ठा करती जाए। आप सर्कल रेट बढ़ाइए, साथ के साथ ट्रांजेक्शन चार्जेस जिसे आप कह सकते हैं रजिस्ट्री की फीस जो है वो कम कीजिए, ताकि आम आदमी के लिए मकान खरीदना जो है महंगा ना हो। ब्लैक मनी का चलन खत्म हो, बिल्कुल होना चाहिए इकोनॉमी के लिए। जहां तक इन्वेस्टिंग की बात है, आई थिंक इफ समबडी वांट्स टू बाय इन नोएडा एंड गाजियाबाद रियल एस्टेट, पर्टिकुलरली वेकेंट लैंड, आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम। रादर फॉर लॉन्ग टर्म एनी टाइम कुड बी द बेस्ट टाइम टू बाय रियल एस्टेट। तो इस समय जो है अगर कोई बाय करता है प्लॉटेड कंस्ट्रक्शन जिसमें लैंड ओनरशिप राइट आते हैं, तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू बाय इन वेदर गाजियाबाद और नोएडा और ग्रेटर नोएडा। बिल्कुल सौरभ, यहाँ पर कुछ असर देखने को मिल सकता है क्या आगे आने वाले समय में नोएडा और गाजियाबाद की अगर बात करें तो? कहीं ना कहीं जो दिल्ली में सर्कल रेट बढ़े हैं उसका इम्पैक्ट यहाँ पर भी पड़ेगा। बिल्डर्स की कहें तो बिल्डर्स की सेल्स भी बढ़ेगी, क्योंकि जो लोग दिल्ली में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, उनकी रेंज में नहीं आ पाएगा, वो दिल्ली से नोएडा और आपका NCR जो है गाजियाबाद, इसमें मूव करेंगे। तो यहाँ पर जो बजट उनका था वो यहाँ पर इजीली जो साइज वो लेना चाहते थे उसका डबल साइज ले सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बिल्डर्स को भी फायदा होगा और जो लोग उस बजट में ढूंढना चाह रहे हैं उससे कम्पेरेटिवली उनको बड़ा फ्लैट भी मिल सकता है यहाँ पर और प्लॉट। बिल्कुल, क्या लगता है सौरभ कि वाकई यहाँ पर लोग आएंगे अभी, क्योंकि पहले से ही रेट